कौन कौन से डिफरेंसेस हैं AWD और FWD में? सर फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव में 5 डिफरेंसेस हैं। एक तो इसकी फैब्रिकेटेड सीट्स हैं, उसमें लेदर सीट्स आती हैं, और दूसरा इसमें रेयर पार्किंग सेंसर्स हैं, उसमें रेयर और फ्रंट दोनों पार्किंग सेंसर होते हैं, दो डिफरेंस हो गए। इसमें मैन्युअली सीट एडजस्टेबल है, जबकि AWD में इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट होती है। चौथा उसकी जो उसका जो ट्रंक है उसका डोर ऑटोमेटिकली खुल जाता है, ऑटो बूट है वो, ये ऑटो बूट नहीं है। और इसके अलावा पांचवा डिफरेंस ये है कि इसमें जो स्पेयर व्हील है वो स्टील रिम के साथ आता है, जबकि AWD में जो स्पेयर व्हील होता है वो भी अलॉय रिम के साथ आता है। तो ये बेसिकली 5 डिफरेंसेस हैं ऑल व्हील ड्राइव के अलावा। सही, तो मेरे ख्याल में कोई इतने ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ जो काम का डिफरेंस है ना जी, वो मेरे ख्याल में यही है कि भाई वो ऑल व्हील ड्राइव है, पहाड़ी इलाकों में आपको वो बड़ा मदद देती है। किसी इस तरह की आप रोड पे फंस जाते हैं जहाँ पे मिट्टी बहुत है या पत्थरों के एरिया में जी, बिल्कुल। जो दोस्त थे जिन्होंने गाड़ी लेने में हेल्प की थी, उन्होंने यही कहा था कि अगर आप पहाड़ी इलाकों से हैं फिर तो आप ऑल व्हील ड्राइव लें, अगर आप मैदानी इलाकों से हैं तो आपको FWD पे जाना चाहिए, और कोई बहुत ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ जो फ्रंट पार्किंग सेंसर है वो आपको बड़ी हेल्प करता है। पहले मेरे पास जो गाड़ी थी उसमें रियर पार्किंग सेंसर नहीं थे, तो अब चूंकि इसमें रियर पार्किंग सेंसर है तो मुझे बड़ा इजी और कंफर्टेबल फील होता है जब मैं रिवर्स कर रहा होता हूँ, कहीं लगने के चांसेस नहीं होते। तो मेरे ख्याल में जो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अच्छा, और बहुत मरतबा इस तरह भी होता है कि हम शॉपिंग कर रहे आते हैं या कुछ इस तरह का सामान होता है, आपने दोनों हाथों से कैरी की, जैसे ही आप ट्रंक के करीब जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली खुल जाता है, तो ये भी बड़ा अच्छा फीचर है। यानी इसके अलावा बाकी जो फीचर्स हैं वो इतने फैसिनेटिंग नहीं है, लेकिन ये दो फीचर्स मुझे बड़ा फैसिनेट करते हैं, और अगर मुझे अभी ऑप्शन हो तो मैं बिल्कुल AWD पे जाऊंगा। मुझे किसी ने मिसगाइड किया था कि वो उसकी फ्यूल कंजप्शन इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो ऑल व्हील ड्राइव है तो इसलिए इसकी फ्यूल कंजप्शन अच्छी नहीं होती, इसी वजह से मैंने नहीं लिया था। अदरवाइज मैं समझता हूँ मैंने गलती कर दी और ऑल व्हील ड्राइव लेना चाहिए था। ऑल्दो 5 लाख का फर्क था प्राइस में, लेकिन वर्थ इट, और लेनी चाहिए थी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, उसने आपको मिसगाइड नहीं किया, उसने आपको सही बात बताई है। अच्छा, उसकी जो फ्यूल इकोनॉमी है बेहतर नहीं है, इसकी फ्यूल इकोनॉमी बेहतर है। अगर आप नॉर्मल ड्राइव करना चाहते हैं, जिस तरह आपकी अगर पहाड़ी इलाकों में इतनी ज्यादा ड्राइव नहीं है, तो फिर आपके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है, एवरेज इसकी उससे बेहतर है। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा इसमें कौन से फीचर्स होने चाहिए थे जो कि नहीं है? सर मेरे लिए जो मेरा यूजेज है, जो मेरी डिमांड है, उसके हिसाब से ये गाड़ी मोर देन सफिशिएंट है। मैंने बताया कि ये दो फीचर्स हैं जिनके लिए मैं समझता हूँ कि अगर पार्किंग फ्रंट पार्किंग सेंसर्स होते और जो ऑटोमेटिक ट्रंक होता है वो अगर होता तो फिर ये बहुत ज़बरदस्त हो जाता। बाकी इसके अलावा मुझे ये कम्प्लीट जो है व्हीकल